एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और डी ट्रिपल एस बी ई एम आर एस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यूपी टीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीपीएससी के लिए तो ये रामबाण का काम करेगा। तो पहला प्रश्न है, मैं आपको पता है कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सीधी बात, नो बकवास, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे कम टाइम में, ओके। क्वेश्चन नंबर पहला है, चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज डैश श्लोक किसका विभाजन दर्शाता है? श्रुति स्वर का, श्रुति नाद का, स्वर तान का या स्वर राग का? चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज, बताइए। तो ये दर्शाता है आपका ए, श्रुति स्वर का, ओके। क्वेश्चन नंबर दो है आपका, शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण है? रूपरेखा तैयार करना, संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना, प्राथमिक सूत्र को ढूंढना या उपसंहार? तो देखो, शोध स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, तो एक आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, नीनी पामा गामा रेसा स्वर समुदाय का प्रयोग किस राग में नहीं होता है? तो काफी में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार है, भोपाली में अगर रे ग ध कोमल करने से किस अंग का राग बन जाता है? भोपाली, तोड़ी, भैरवी, आसावरी? अब देखिए, जैसे भोपाली का पूछा है तो भोपाली के पहले आप स्वर लिख लेंगे। इसको कैसे करते हैं देखिए, इन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि ये ऐसे से हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं सर, तो ये कैसे किया जाता है? तो पहले आप भोपाली के स्वर लिखेंगे, तो भोपाली के स्वर क्या है? सारे सारे ग प ध सा ग रे ध ध सा, ये है ना, सारे ग ये हो गया, ये भोपाली के स्वर है। अब क्या बोल रहा है कि रे ग ध कोमल कर देंगे तो कौन सा अंग इसका बनेगा? रे अगर हम रे ग और ध अब इसे गाएंगे तो कैसा हो जाएगा ये? सा रे, ये शुद्ध था, सा रे ये कोमल हो गया, सा रे ग प ध प द ये प द सा सा ध प ग रे, ये आसावरी थोड़ा लग रहा है, तो इसमें तोड़ी यहाँ पे दिया गया है सही आंसर, लेकिन ये आसावरी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि आसावरी में ही रे ग ध कोमल भी लगता है। अगर आपको मान लीजिए ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको राग आता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आपको सिर्फ इतना पता हो कि उसमें कौन सा विकृत स्वर लग रहा है, ठीक है, कौन सा विकृत, विकृत का मतलब तीव्र या कोमल, कौन सा स्वर लग रहा है या वर्ज्य कौन सा है, ठीक है, वर्ज कौन सा, वर्ज मीन्स वर्जित, जो स्वर नहीं लगता राग में, अगर ये दोनों आपको पता है तो आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा राग है, ठीक है। ज्यादातर लोग रागों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये इसी बेस से उसको ठीक करते हैं, विकृत स्वर और वर्ज। इसमें क्या होता है, इसमें एलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब कि चार में से अगर इसमें विकृत स्वर ये नहीं लग रहा तो उसको हटा दिया, ये नहीं लग रहा तो इसको हटा दिया, इस तरीके से होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पांच है, हीराबाई बड़ोतकर का संबंध किस घराने से है?
बड़ौदकर, आगरा, ग्वालियर, भिंडी बाजार, किराना। राइट आंसर है किराना। क्वेश्चन नंबर छह, लोचन ने किस ग्रंथ को लिखा है? स्वरमील कलानिधि, संगीत मकरंद, राग तरंगिनी या मान कुतूहल। लोचन ने किस ग्रंथ को लिखा है? तो लिखा है राग तरंगिनी। लोचन ने कौन सी ग्रंथ लिखा है? राग तरंगिनी। लोचन जी ने कितने संस्थान माने हैं ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सात है, निम्नलिखित में से किस समूह में गंधार और धैवत का प्रयोग आरओ में नहीं होता है? है ना, तो गुजोगिया देसी, देश वृंदावनी सारंग, गुण कली भोपाली और मेघ सिंदूरा। राइट आंसर इज सेवन, देश और वृंदावनी सारंग में नहीं होता है ना, सीधे चले जाते हैं इसमें। कैसे? गंधार और धैवत का प्रयोग नहीं होता इसमें। सारे मा पानी सा, अब देखो हम गए जैसे देश में सारे मा पा, तो सारे मा ग हमने क्या किया, हटा दिया। सारे मा पानी सा नी पा मा गरे गणेशा, तो आरो, यह तो मैंने पूरा आरो रोगा दिया, लेकिन इसमें बोला गया है आरो, केवल आरो बोला गया है, तो आरो में दोनों में नहीं लगता। सारे म पानी सा ने सारे म पानी सा, दोनों में नहीं लगता, ठीक है। तो ये आपका देश और वृंदावनी सारंग हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर आठ हो गया, समानुपात तथा संतुलन किसके सिद्धांत हैं? सौंदर्य शास्त्र के, समय सिद्धांत के, राग वर्गीकरण के या स्थाई का। इसमें सौंदर्य शास्त्र दिया गया है, लेकिन समय और सिद्धांत भी हो सकता है, तो ये क्रॉस चेक होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। बाकी आपको अगर इसका एग्जैक्ट पता है तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, ये सुमिलित करना है आपको, देखिए एक तरफ वीणा है, एक तरफ उसमें कितने तार हैं वो, तो इसका सही आंसर होगा तीन। कैसे? देखिए, मत कोकिला वीणा में कितनी होती है? 21 होती है तारें, ठीक है। बी का हो जाएगा आपका चार, त्रि वीणा में, त्रितंत्री वीणा में, त्रि का मतलब तीन हो गया, तो तीन। फिर सी का दो हो जाएगा, घोषा वीणा में लगती है एक, ये याद रखना, घोषा वीणा में लगती है एक। उसके बाद आपका विपंची वीणा में होती है नौ, विपंची वीणा भी बहुत पूछा जाता है, तो उसमें लगती है एक। तो ये पूरा आप याद कर लेना, इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको किस वीणा में कितने तार हैं ये आप एक अलग से नोटबुक में नोट करके लिख लें। जब भी मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ तो आपको क्या करना है, एक कॉपी अपने पास रखना है, पेन अपने पास रखना है, जो भी आपको नहीं आ रहा वो आपको नोट कर लेना है, समझे। और यही सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ अच्छे से सुनिए, यही क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं, घुमा फिरा के यही पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10, भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का उल्लेख किया है? 3, 9, 10 या 8। तो 8, कितने? भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का किया है? तो 8। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंडित चतुरलाल किस वाद्य को बजाने में निपुण थे? बांसुरी, तबला, वीणा या सितार। तो तबला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विधाओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या है? अलापति, रूप का लाप या रागा लाप, इसी को आगे पीछे करके लिखा गया, आप बताइए। तो पहले होगा रागा लाप, फिर रूप का लाप, फिर अलापति। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकवाद्य है सारंगी, कामायचा, सरोद या रुद्रवीणा? लोकवाद्य कौन सा है? तो कामायचा ही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राग पटदीप में नी को कोमल करने से कौन सा राग बनेगा, बागेश्री, काफी, भीमपलासी या धनाश्री? तो आपका बन जाएगा ये भीमपलासी। क्वेश्चन नंबर 15, रागनी लोकगीत का संबंध किस प्रदेश से है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मणिपुर? तो रागनी गाई जाती है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सारंगदेव ने प्रबंध के कितने अंग की चर्चा की है, 4, 5, 6 या 7? तो 7। अभी आपको सूची है, सुमलित करना है, आपको कुट भी दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए और बताइए। सही आंसर इसका 3 होगा। देखिए किस तरीके से आभोग का हो जाएगा, किसी गीत का चौथा पद खंड होता है, जैसे कि स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। स्थाई पहला, अंतरा दूसरा, संचारी तीसरा और आभोग चौथा। ठीक है, फिर आपका बी का 4 है, अर्ष भी क्या है, प्राचीन जाति का नाम है ये। ठीक है, उसके बाद सी का 1 है, अवाप प्राचीन ताल क्रिया है, ये ताल की एक क्रिया है अवाप। अनंदनी किसी राग का नाम है, ठीक है, ये किसी राग का नाम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसन्न किसका नाम है, काकू, अलंकार, प्राचीन ताल या प्राचीन रागी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। इसका सही आंसर होगा अलंकार। प्रश्न को ही पर्यायवाची शब्द समझ लीजिए, अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राग सुगराई किस अंग से संबंधित है, सारंग, मल्हार, कांगड़ा या भैरव? इसका सही आंसर है कांगड़ा। कांगड़ा इसका सही आंसर है। राग सुगराई किस अंग का है, तो कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए, दयावती, रौद्री, रक्तिका, रजनी। इसी को आगे पीछे करके दिया गया है, तो आप देख लीजिए अच्छे से और आंसर दीजिए। और ये जो निशान लगे हैं ये गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका 2 होगा, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए किस वीणा का उपयोग किया, रौद्री वीणा, श्रुति वीणा, अचल वीणा या ध्रुव वीणा? तो रौद्री वीणा। सोमनाथ ने 22 श्रुतियों को दर्शाने के लिए किस वीणा का प्रयोग किया, तो रौद्र वीणा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानसिंह तोमर के दरबारी गायक कौन थे, सूरत सेन, नायक बक्सू, गोपाल नायक या अदारक? मानसिंह तोमर के जो दरबारी गायक थे वो थे नायक बक्सू। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए, साइटेशन, पेरिस्थेटिक नोट, सिनोप्सिस या लीडिंग नोट? तो लीडिंग नोट होगा, निम्नलिखित में से विषम है ये। आगे देखिए सुमलित करना है, ये देखिए। अब देखिए इसमें जो है वृत्त को ताल मार्ग है ये, उसके बाद आपका वृंद है जो संयोजन है ये, और उसके बाद आपका विशर रिजितम क्या है, हाथ का संकेत है, और विषम पदी है ताल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंडित शुभांकर ने संगीत दामोदर कब लिखा था? 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में? तो 15वीं शताब्दी में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वर में चार श्रुतियों किसके समान होती है? 204 सेंट्स, 200 सेंट्स, 182 सेंट्स या 150 सेंट्स? पश्चात संगीत के ओर से आया है। तो चार श्रुति आपके हो जाते हैं 204, ठीक है, 204 सेंट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भरत मुनि किसके प्रतिपादक हैं? रसवाद, सहसवाद, ध्वनिवाद या विक्रोक्तिवाद? तो रसवाद होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कला के सभी रूपों में से सर्वाधिक अमूर्त रूप है साहित्य, चित्रकारी, संगीत या मूर्तिकला? तो संगीत है सबसे प्रथम माना जाता है, अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि तरंगों की तीव्रता किस कारक पर निर्भर करती है? बारंबारिता, विस्तीर्णता, समयाविधि, ध्वनि तरंग? तो विस्तीर्णता इसका सही आंसर है। ध्वनि की तरंगों की तीव्रता वो कितना फैल रहा है उस पर निर्भर करती है, कितना उसका विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रे म प ध सा यह स्वरावली किस राग की नहीं है? गुणकली, जोगिया, भैरवी, कोमल, आसावरी? भैरवी, ठीक है। यह स्वरावली किसकी तरह है? भैरवी की है। यह स्वरावली किस राग की नहीं है? तो ये भैरवी की नहीं है, क्योंकि भैरवी में आपको पता है कि ऐसे नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का आगरा घराने से संबंध है? मोगूबाई कोडीकर, सुहासिनी कोरटकर, सुमति मुटाटकर या किशोरी अमोनकर? कैसे कैसे नाम है देख लीजिए आप। सही आंसर है सुमति मुटाटकर, आगरा घराने से है। क्वेश्चन नंबर 32, वाद्य यंत्रों के उद्गम और विकास के अनुसार सही क्रम चुनिए। सुरबहार, सितार, बीन, बीन सुरबहार, सितार, सितार बीन सुरबहार, सुरबहार बीन सितार? तो पहले सबसे पहले बीन आई थी, ठीक है, सबसे पहले बीन आई थी, तो सबसे पहले बीन जिसमें होगा वही आंसर होगा सही। बीन, सुरबहार, फिर सितार, सितार सबसे लास्ट में आई। क्वेश्चन नंबर 33, अमान अली खां किस घराने से संबंधित है? श्याम चौरासी, भिंडी बाजार, खुरजा या अतरौली? तो भिंडी बाजार से हैं अमान अली खान। क्वेश्चन नंबर 34, अल्लादिया खां के पुत्र कौन है? हैदर खां, मंजी खां, वाजिद हुसैन, अजमत अली? मंजी खां। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा मूर्छना सड़स ग्राम से संबंधित है? सौवीरी, शुद्ध मध्या, अश्वक्रांता, पौरवी? कौन सी मूर्छना सड़स ग्राम की है? विरोध करता हूँ, अश्वकांता तो सड़स ही ग्राम की है, ठीक है, ये सड़स ग्राम की है, बाकी जो है वो मध्यम ग्राम की है, सौवीरी, शुद्ध मध्या, पौरवी मध्यम ग्राम की है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संगीत चिंतामणि का लेखक कौन है? लाल मणि मिश्र, बी सी देव, के सी डी बृहस्पति, ओ गोस्वामी? के सी डी बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो बृहस्पति जी हैं, ये याद रखना सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 37 है,
निम्नलिखित स्वर समुदाय किस राग के हैं? म प ध ग रे ग सा रे नी ध प ध नी सा काफी सिंदूरा बरवा गारा। तो इसका सही आंसर है बरवा। इसका जो स्वरावली है जो वो थोड़ा प्रतीत काफी की तरह भी हो रहा है, लेकिन काफी नहीं है क्योंकि इसका चलन नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलन नहीं इसका मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? अब्दुल करीम खां, सुरेश बाबू माने, विलायत खां, शाहिद परवेज, महमूद खां, अता हुसैन खां, रहीम सेन, अमृत सेन। तो ये नहीं मिल रहा, विलायत खां और शाहिद परवेज। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य विराम का सही श्रुति स्वर विभाजन क्या है? आपको दिया गया है ऑप्शन, देख लीजिए और बताइए। तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, वाद्य संगीत की पहली रिकॉर्डिंग हुई थी इमदाद खान द्वारा जौनपुरी और बरकतुल्ला खान द्वारा भूप कल्याण, बिंदु खान द्वारा मालकुश या दबीर खान द्वारा ललित। तो वाद्य संगीत की पहली रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो होता बरकतुल्ला खां के द्वारा भूप कल्याण में। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सा राग तोड़ी ठाट का नहीं है? मियां की तोड़ी, गुजरी तोड़ी, विलासखानी तोड़ी या मुल्तानी। तो विलासखानी तोड़ी। कौन सा राग तोड़ी ठाटका नहीं है? तो विलास खानी तोड़ी तोड़ी ठाटका नहीं है, या आसावरी या भैरवी ठाटका है। क्वेश्चन नंबर 42, रे नी सा म ग रे सा, यह स्वर समुदाय किस समूह से में समान है? आपको बताना है, बागेश्वरी तथा दरबारी कांगड़ा, बागेश्वरी तथा जौनपुरी, बागेश्वरी तथा भीमपलासी या बागेश्वरी तथा पटदीप। रे नी सा ऐसे लगा ना, रे नी सा मा सा मा मा रे सा ना, तो ये आपकी बागेश्वरी या भीमपलासी बन रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अर्धमागधी किससे संबंधित है? अलाप, ख्याल, प्रबंध या गीति। अर्धमागधी तो गीति से है, मागधी अर्धमागधी गीति से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राग में अति कोमल गंधार का प्रयोग होता है? मियां की मल्हार, रामदासी मल्हार, अड़ाना या दरबारी कांधड़ा। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कोमल गंधार यूज होता है दरबारी कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा राग माइनर स्केल के समान है? आसावरी, देश, काफी, कल्याण। तो आसावरी माइनर स्केल के समान कौन है? तो आसावरी। ठीक है, आसावरी को माना गया है माइनर स्केल। क्वेश्चन नंबर 46, रास के दौरान निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है?
लिक्य झुमूर धारू हवेली हवेली ठीक है। रास के दौरान निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है, तो हवेली। ओके चौथा आंसर इसका राइट आंसर चार है। क्वेश्चन नंबर 47 सही कुट को चुनिए। कथन ए है देसी तोड़ी प्रात का राग है, कारण आर है इसका, इसका संबंध तोड़ी ठाट से है। तो ए सही है परंतु आर गलत है। देसी तोड़ी जो है प्रात राग तो है लेकिन इसका संबंध तोड़ी ठाट से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है राग ललित निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है, प्रात 4 से 7, प्रात 5 से 8, प्रात 6 से 9 या प्रात 8 से 11। तो इसका सही आंसर होगा पहला ही, प्रात 4 से 7 बजे तक गाया जाता है राग ललित। क्वेश्चन नंबर 49 पंडित रविशंकर ने निम्नलिखित में से किस राग का सृजन नहीं किया है, परमेश्वरी में धावी रसिया या तिलक श्याम। मेधावी नहीं, ओके मेधावी इसका सही आंसर होगा, इन्होंने इस राग को का सृजन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, रविशंकर शुभ लक्ष्मी लता मंगेशकर, इसी को आगे पीछे करके दिया गया है, बताइए। भारत रत्न का क्रम अनुसार ये लिखना है आपको, तो शुभ लक्ष्मी है पर सबसे पहले, उसके बाद रविशंकर को मिला, उसके बाद लता मंगेशकर जी को मिला। क्वेश्चन नंबर 51 है राग भटियार निम्न में से किसका मिश्रण है, तोड़ी एक पूरिया, भैरवी एक मारवा, तोड़ी एक सोनी या मारवा एक भैरवी। तो राग भटियार किसका मिश्रण है, भैरवी का है और मारवा का है, भैरवी और मारवा का मिश्रण है राग भटियार। क्वेश्चन नंबर 52 है चार विविध लक्षणों से युक्त संगीतिक विधा है, भजन, लावणी, तुसु या चतुरंग। चार चीजों से मिलके बनता है चतुरंग, कौन कौन सी चीजों से मिलके बनता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गीत के बोल हो गए और उसमें मृदंग के बोल हो गए, उसके बाद आपका मृदंग पखावज के बोल हो गए, उसके बाद आपका सरगम हो गया। अब इसके अलावा एक और चीज़ से मिलके बनता है, तीन चीज़ें मैंने बता दिया, एक और कौन सी चीज़ मिलके बनती है वो आप मुझे बताओगे। चलो मैं ये भी बता देता हूँ, एक तराना हो गया, चारों हो गए, ये चारों से मिलके बनता है चतुरंग। अब ये बताइए चतुरंग तो इन चारों से मिलके बनता है, लेकिन एक होता है त्रिवट, उसमें से इन चारों में से क्या हटा दिया जाता है तो त्रिवट बनता है। क्या हटा दिया जाता है तो वो बनता है, तो इसमें से हटाने पे आपका क्या बनेगा वो आपको कमेंट करके बताना है, ओके। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 53 है राग जय जयवंती किस श्रेणी का राग है, छायालंग राग, सिंधी प्रकाश राग, परमेल प्रवेशक राग या शुद्ध राग। जय जयवंती क्या है, तो जय जयवंती आपका परमेल प्रवेशक राग है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए अच्छे से, सूची दिया गया है आपको मिलान करना है इसमें, तो आपको सुरावली दी गई है, एकदम राग दिया गया है, आपको बताना है कौन सा राग है। देखिए इसका जो स्कूट भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आपको, देखिए इसका सही आंसर होगा, देखिए शुद्ध कल्याण ये हो गया, हमीर हमीर यहां से मिल जाएगा, मापा गामा ये पूरा शुद्ध आपका लग रहा है तीव्र मध्यम के साथ, अश्याम कल्याण आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपका छायानट ये हो जाएगा, ओके।
चलिए आगे चलते हैं, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे भी यही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ठुमरी गायकों के सही समूह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए और बताइए इसका आंसर सही है। ठुमरी ये सारे गायक हैं, सही समूह बताना है, कालक्रम में नहीं लगाना, इसे सही समूह बताना है, इसमें से एक सही है और यो दो आंसर है, जमीरुद्दीन खान, गिरजा शंकर चक्रवर्ती और भैया साहेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोक संगीत में विशेष रूप से किया जाता है, खोल, हार्प, पिपा या माउथ ऑर्गन। वैसे तो खोल को जो छोड़ के सभी का यूज किया जाता है लोक संगीत में, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा पिपा। ओके, पेपर इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित स्वरावलियों में दर्शित किस राग में ठुमरी गायन किया जा सकता है, रे प ग म ध प म ग रे सा, इसी तरीके से सारी स्वरावली आपको दी गई है, देखिए और बताइए किसको राग ठुमरी गायन में लिया जा सकता है। तो आपको भैरवी में हो गया, आपका खमाज में हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा गाया जाता है ठुमरी। तो ये आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा षडज पंचम भाव है, सामा, रेधा, गधा या मनी। तो रेधा षडज पंचम भाव है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से क्वाड लय की पहचान कीजिए, छह मात्राएं, चार मात्राएं, चार मात्राएं पांच मात्राओं में, पांच मात्राएं चार मात्राओं में या तीन मात्राएं चार मात्राओं में। क्वेश्चन नंबर 59 है, पांच मात्राएं चार मात्राओं में। ठीक है, पांच मात्राएं चार मात्राओं में कैसे, ऐसे, ये क्या है, ये क्वाड है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब देख लीजिए, गंधर्व गीत, देसी गीत या गाम गया गान। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देसी गीत सबसे एंड में होगा, ये भी ये याद रखिए, तो यही दूसरा ही आंसर आपका होगा, गाम गया गान, गंधर्व गीत और देसी गीत। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि कल्याण ठाट के रे को एक सेमी टोन नीचा कर दिया जाए तो वह किस ठाट में परिवर्तित होगा, खमास ठाट, बिलावल ठाट, काफी ठाट या मारवा ठाट। मारवा ठाट, ठीक है, मारवा ठाट होगा। ठीक है, यदि कल्याण ठाट के रे को एक सेमी टोन नीचा कर दिया जाए तो वो मारवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि एक सूची दी गई है, आपको देखना है, मिलान करना है, कुट दिया हुआ है, अच्छे से देखिए और करिए। ये देखिए, दो आंसर्स का सही होगा, एक का तीन होगा आपका, रामपुर सहसान घराना हो जाएगा, गुलाम मुस्तफा खान हो जाएगा और मिहर बैंड के अलाउद्दीन खां हैं, सभी को पता है मिहर बैंड से अलाउद्दीन खां हैं। आगरा घराने से कौन है, लताफत हुसैन, आगरा घराने से है, जयपुर घराने से केसर बाई है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राग में केवल तीन स्वरों का प्रयोग होता है, हिंडोल, मालश्री, माली गौरा या साजगिरी। तो तीन सिर्फ स्वर प्रयोग होते हैं, वैसा कौन है, तो मालश्री है, ये याद रखना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आ जाए तो लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, गीत गीत गाथा गीत, गायत्र गीत या यम गीत। तो यम गीत जो है ये सही नहीं है, ये आंसर इसका सही होगा क्योंकि ये नहीं है। गीत गीत होता है, गायत्र गीत होता है, गाथा और गीत होता है, लेकिन यम गीत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नाराशंसी किस गायन शैली के अंतर्गत आता है, शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोक या रविंद्र संगीत। तो लोक के किस गायन शैली के अंतर्गत आता है, तो लोक। लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, इसे हम डाउट में रखते हैं, या आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, वरना हम लोक संगीत मानेंगे। लोक संगीत मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, लोक संगीत मुझे गलत लग रहा है, या तो इसका शास्त्रीय होगा या तो रविंद्र संगीत होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको क्रॉस चेक करके ही मैं आपको बता पाऊंगा, बाकी आपको अगर आता है तो कमेंट के माध्यम से आप छाप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस संगीतज्ञ का उपनाम प्रेम प्रिया था, फयाज खां, वाजिद अली शाह, निसार हुसैन खां, विलायत खान। उपनाम क्या कौन सा था, उपनाम प्रेम प्रिया का उपनाम किसका है, ये तो फयाज खां का है, ये फयाज खां का है प्रेम प्रिया। क्वेश्चन नंबर 67 है, मेरुखंड गायकी के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है, गिरजा देवी, आमिर खान, हरि प्रसाद या जसराज। तो आमिर खान, ठीक है, मेरुखंड गायकी के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध था, आमिर खान, ठीक है, याद रखना आमिर खान। ये भी प्रश्न काफी पूछा जा सकता है, ज्यादा चांसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका, निम्नलिखित स्वर सप्तक का पांचवा स्वर कौन सा है, आपको दिया है क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो चतुर्थ होगा, ठीक है, मंद्र, अति, स्वर, है ना, तो ये दे रखा है, है ना, तो आपके ऑप्शन दे रखे चतुर्थ, स्वरित, उदांत या आर्जी। अब देख लीजिए यहां तक है, सिर्फ स्वर का देख लीजिए, यहां ये तक है, ये जो है ना बस ये है क्वेश्चन, ये है नीचे इसका चतुर्थ, स्वरित, उदांत, आर्चिव, ये उसका वो है। तो इसका क्या हो जाएगा, कुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, अतिस्वार। हाँ, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, चतुर्थ इसका सही आंसर होगा, ओके। छठा क्या हो जाता है, मंद्र, सातवां क्या आता है, अतिस्वार, ये याद रखना, ये छठा और सातवां और पहला, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अब देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा धुंधला आ रहा है, लेकिन आप अच्छे से सुनिए, सही कुट का चुनाव कीजिए, कथन ए है, समूह गीत रचना का उद्देश्य है विभिन्न आवाज व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, और इसका कारण जो है वह समूह गीत उत्तरदायित्व, सहयोग, आत्मनियंत्रण, जागरूकता की भावना को उद्भूत करते हैं। तो दोनों ही ये सही है, ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, अभिनव भारती किस ग्रंथ पर लिखी गई विस्तृत टीका है, लक्ष्य संगीतम, अभिनव गीतांजलि, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर। अभिनव भारती किस ग्रंथ की लिखी गई विस्तृत टीका है, तो नाट्य शास्त्र की लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने मेल पद्धति का उल्लेख किया है, श्रीनिवास, विधारण, नारद या आहोबल।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने मेल पद्धति का उल्लेख किया है, तो विधार ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हिंदुस्तानी संगीत के आधुनिक समय सिद्धांत में गायन हेतु स्वरों के आधार पर रागों को कितने अनुभागों में विभाजित किया गया है, तो 6। क्वेश्चन नंबर 73 है, सर्वप्रथम किस संगीतज्ञ ने स्वरों के लिए कोमल और तीव्र संज्ञा का प्रयोग किया, तो भातखंडे, भरत, लोचन या अभिनव गुप्त। तो राग तरंगिणी में हुआ है और लोचन जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। सर्वप्रथम संगीत में संगीत किस संगीत संगीतज्ञ ने कोमल और तीव्र का प्रयोग किया, ठीक है। मेल का प्रयोग किसने, विधार ने किया, और कोमल तीव्र का किसने किया, तो लोचन जी ने किया, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्राचीन शुद्ध स्वर सप्तक हिंदुस्तानी संगीत के किस आधुनिक स्वर सप्तक के साम्य रखता है, बिलावल, काफी, कल्याण या आसावरी। सम्य मिस मतलब कि बराबरी रखता है। तो प्राचीन का जो शुद्ध सप्तक था वो आज का काफी स्वर के समान है, ठीक है, किसके समान है, काफी स्वर के समान है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में दिया गया, 2006, 2010, 2012, 2008। तो 2008 में दिया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 75 प्रश्न, और इसको मैंने कवर कर दिया है केवल 40 मिनट में, ठीक है। 40 मिनट में 75 प्रश्न मैंने करवा दिया, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी जो क्लास होती है सीधी बात, नो बकवास, सारी मैंने चीज़ें आपको जल्दी जल्दी स्पीड में सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन हो पाए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा, और आप अगर ऐसी सोच रखते हो कि आप किसी का भला ना करो तो आपकी भी ऊपर वाला भला नहीं करेगा, इसलिए सभी की आप हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।